शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आखिरकार 12वीं कक्षा के छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। 16 जुलाई को महाराष्ट्र बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इस बार कुल 90.66% बच्चे पास हुए। महाराष्ट्र बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार 12वीं की परीक्षा में इस साल कुल 8,43,552 लड़के और 6,61,325 लड़कियां, साथ ही 6,657 दिव्यांग छात्र शामिल थे। हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा इस साल 18 फरवरी से शुरू हुई थी, लेकिन देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद इसे रोक दिया गया। अब जब परिणाम घोषित हो चुके हैं तो नागपुर जिले ने 92.53% रिजल्ट दर्ज किया है। गोंदिया डिवीजन 94.13% के साथ सूची में सबसे ऊपर है, वहीं वर्धा डिवीजन 87.40% के साथ सबसे कम। भंडारा जिले का टक्केवारी 93.58 है, चंद्रपुर 90.60 है, नागपुर 92.53 है, वर्धा 87.40 है, गडचिरोली 88.64 है, गोंदिया 94.13 है। यामध्ये सर्वात जास्त निकाल हा गोंदिया जिल्ह्याचा है, सर्वात कमी निकाल हा वर्धा जिल्ह्याचा है। आणि महत्त्वाचं म्हणजे मागच्या वर्षी गडचिरोली जिल्ह्याचा निकाल 68.80 होता, मागच्या वर्षी गडचिरोली जिल्ह्याचा निकाल 68.80 होता, यावर्षी तो निकाल 88.64 झालेला आहे। म्हणजे ही फार मोठी वाढ आहे, ही आपल्यासाठी आनंददायक बाब आहे।